राहुल वैद्य को शो में फिर से क्यों लाया गया है? क्या इंसल्ट करने के लिए? बार बार राहुल वैद्य डर कर शो छोड़कर चले गए, ये क्यों बोला जाता है? और कल वीकेंड कवार में राहुल यही मुद्दा उठाने वाले हैं जब वो बोलेंगे कि सर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सब बार बार बोलते हैं कि कमजोर हैं, अगर ये बार बार क्यों कहते हैं कि मैं भाग गया, तो सलमान कहते हैं तो तुम भाग ही तो गए थे, पर सर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सलमान कहते हैं मुझे इन सारी चीज़ों में बीच में मत लाओ, तो राहुल कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सलमान कहते हैं रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, और मुझे लाया क्यों गया फिर? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई कान पकड़ के तो नहीं लाया था, तुम आए थे इसलिए लेकर आए, तो ये बार बार मुझे मत कहो, तो तुम घर से भागे थे, तो यही पर एंड होता है। तो एक बात तो तय है कि राहुल वैद्य को बार बार जो है ये बोलकर उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब वो गए थे किसने समझाने की कोशिश की थी? क्या मेकर्स ने समझाने की कोशिश की थी? क्या घर के बाकी कंटेस्टेंट ने समझाने की कोशिश की थी? क्या किसी ने कहा था कि रुक जाओ, बाकी लोगों को तो बहुत मौके दिए जाते हैं? तो राहुल वैद्य के साथ जो हो रहा है क्या आपको नहीं लगता कि वो गलत है? और ये बात साफ साफ दिखती है कि उन्हें बार बार ये क्यों कहा जाता है। और अगर वाकई में आपको लगता है कि राहुल वैद्य जो है डर कर भागे थे, शो की इंसल्ट की थी, तो ये आपका शो है, आपको उसे नहीं बुलाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि राहुल वैद्य का बार बार मनोबल कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश की जाती है। वो जो है घर के मुद्दों में स्टैंड लेते हैं, घर में पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं, घर के कई सदस्य उन्हें पसंद करते हैं और जो है वो डिजर्व करते थे, ये घर वालों ने खुद बोला था। तो ऐसे में जब घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, ऑडियंस उन्हें घर में देखना चाहती थी, तो मेकर्स जो है क्या वाकई में ऐसी कोई चाल चल रहे हैं जिससे राहुल वैद्य जो है फिर से एक बार मजबूर हो जाए शो छोड़ने के लिए?